हेलो एवरीवन, जायका स्वाद किचन में आप सभी का स्वागत है। आज जायका स्वाद किचन में हम बनाने जा रहे हैं अंगूरी रसमलाई। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट है, ये देखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मिनी रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने दूध जो लिया है पैकेट वाला लिया है गाय का। आप यहाँ पर कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर यहाँ पर मैंने पैकेट वाला दूध ही लिया है। इस दूध को हम अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भाप निकलने देंगे दूध की। जब तक हम यहाँ पर 1 नींबू का रस निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा 1 नींबू का रस ले लिया है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, जितना नींबू का रस है उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसे रख देंगे। अब हम लेंगे दूध। दूध में यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, भाप निकल चुकी है हल्की सी। अब हम इसमें नींबू का रस जो पानी हमने बना कर रखा है वो हम इसमें डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। नींबू के पानी की जगह आप साइट्रिक एसिड या फिर विनेगर भी ले सकते हैं, पर नींबू सभी के पास अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू लिया है। नींबू का रस जो होता है उससे भी बहुत ही आसानी से फट जाता है दूध। इसमें हम थोड़ा थोड़ा नींबू के रस वाला पानी डालेंगे। ये देखिए दूध फटना शुरू हो गया है। ये देखिए दूध फट चुका है। यहाँ पर पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। बस इसी समय अब हमें यहाँ पर नींबू का पानी डालना बंद कर देना है। अब हम इसे चलनी में छान लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। बाउल के ऊपर हम चलनी रख कर उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। और इसमें हम ये छान लेंगे। ये पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसमें बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं। हम इसे सब्जी में, दाल में, कड़ी में या फिर आटे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आटा भी गूंथ सकते हैं हम इस पानी से, बहुत ही अच्छा होता है ये पानी। इसे फेंके नहीं। ये देखिए गर्म है इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं निचोएंगे। इस पानी को हम अलग रख देंगे और ठंडे पानी से इसे धो लेंगे। ये देखिए मैंने वो पानी अलग रख दिया है और अब हम इसके ऊपर ढेर सारा पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होगा कि हमने जो नींबू का रस इसमें डाला था उसकी खटास जो है वो निकल जाएगी। इसे अच्छे से धो लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे और इसे निचोलेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए इसे हम निचोलेंगे। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है हमें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ। इसे चाहो तो आप आधे 1 घंटे के लिए रख भी सकते हैं साइड में। अब हम इसे मलने की प्रोसेस शुरू करेंगे। और ये सबसे ज़रूरी प्रोसेस है, इसे करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर रसगुल्ले नहीं बन सकते, ये तो सभी को पता है। बस इसे हल्के से हम मसलते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। इसे हम एकदम सॉफ्ट डो बनाना है रसगुल्ले के लिए। बस इसे हम मसलते रहेंगे। इसमें हमें कोई मैदा, आरारोट डालने की ज़रूरत नहीं है, हम बगैर मैदे के भी इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बस हमें ये डो को सॉफ्ट रखना है। इसका हर एक दाने को हम अच्छे से मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसे मसलना है। रसगुल्ले सॉफ्ट बने इसके लिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी रहने देना भी ज़रूरी है। अगर हमें हार्ड लगे तो हम हल्का सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा 2-4 बूंद जितने पानी इसमें ऐड किया है, 1 छोटे चम्मच जितना भी आप ले सकते हैं पानी। पर इस बात का ध्यान रहे अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे रसगुल्ले फट भी सकते हैं, तो हमें पानी भी देखकर ही इसमें रहने देना है। या तो शुरू में पानी निचोते समय ही हम हल्का सा पानी रहने दें, या फिर हल्का सा हमें जब हम इसे रब करते हैं तभी हम हल्का सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब छेने का डो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल अंगूर जितने हमें बनाना है।
छोटे छोटे। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम पूरे बॉल्स तैयार कर लेंगे छोटे छोटे बनाकर। अगर आप रसगुल्ले बना रहे हैं बड़ी शेप में भी बना सकते हैं इसे। रसगुल्ले बनाने की भी प्रोसेस यही होती है, बस हम इसे छोटी साइज़ में बना रहे हैं, अंगूरी रसगुल्ले, इसलिए हम छोटी साइज़ के बना रहे हैं मिनी रसगुल्ले। ये देखिए पूरे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ले ली है, इसे हम डाल लेंगे एक बर्तन में और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पूरा 1 लीटर पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। रसगुल्ले के लिए हमें पानी ज़्यादा ही चाहिए, इसमें जितना हम शक्कर ले रहे हैं उससे 4 गुना पानी इसमें डालें। इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। पानी हमें अच्छे से उबलने के बाद ही इसमें रसगुल्ले डालना है, नहीं तो वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे। पानी उबलते समय ही इसमें रसगुल्ले डालें और हम एक साथ नहीं डालें, इसमें एक एक दो दो करके हल्के हल्के डालें। पानी उबलता ही रहना ज़रूरी है, तेज आँच रहे गैस की। ये देखिए पानी उबलता रहना ज़रूरी है, उसी समय हम इसमें रसगुल्ले पूरे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है इसमें और हमारे जो छोटे मिनी रसगुल्ले उनका भी शेप बढ़ते जा रहा है। इन्हें हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पर खुला ही रखना है, उसके बाद हम इसे ढकेंगे। ये देखिए हल्का हल्का इनका शेप बढ़ना शुरू हो गया है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। अब हम यहाँ पर इसे ढक देंगे एक प्लेट से और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें चेक कर रहे हैं। इनका शेप देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो इसी तरह हम इसे एक बार और ढक देंगे और 7 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए 7 मिनट बाद मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ और मैंने गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखा था। यहाँ पर चाशनी मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं चम्मच से इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे गर्म पानी डाल सकते हैं, क्योंकि चाशनी अगर कम हो जाएंगी तो हमारे बॉल्स अच्छे से नहीं फूलेंगे। इसमें गर्म पानी डालते रहे अगर आपको कम लगे तो। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, बिल्कुल रेडी हो गए हैं रसगुल्ले बनकर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 16 से 17 मिनट तक हमने इन रसगुल्लों को पकाया है, पकने के लिए हमने 16-17 मिनट लिए। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें बनानी है अंगूरी रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है फुल फैट वाला दूध, 1.5 लीटर दूध ले लिया है, यहाँ पर गर्म होने के लिए रखा है। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। तो ये देखिए दूध उबलना शुरू हो गया है। अब इस 1.5 लीटर दूध को हमें अंदाजन 1 लीटर दूध होने जितना उबालना है। जब ये 1 लीटर रह जाएगा तब हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए दूध उबल कर कम होना शुरू हो गया है। तब तक हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ले लेंगे 2 चम्मच कटोरी में और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दूध में डालने से क्या होगा, दूध अच्छे से गाढ़े हो जाएंगे रबड़ी की तरह। ये देखिए दूध उबल कर अब 1 लीटर हो चुका है, 1.5 लीटर से 1 लीटर तक उबल चुका है दूध। अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाकर रेडी रखा है ना, उसे हम इसमें डाल देंगे और दूध को अच्छे से उबलने देंगे। गैस की फ्लेम को तेज़ रखें, नहीं तो उसमें गाँठे हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ले इसे, इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज आंच पर इसे मिक्स करें।
अभी थोड़ी ही देर में अच्छा गाढ़ा हो जाएगा दूध। तो ये देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी। कटोरी से नापेंगे तो आधा कटोरी जितनी निकलेगी चीनी। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं शक्कर। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से उबलने दें। अब चीनी मिक्स होने के बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जितनी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है रसमलाई में, ये तो ज़रूरी है डालना। उसके बाद यहाँ पर कुछ डालेंगे हम केसर के सिक्के। अगर आप कलर ज़्यादा डार्क चाहते हो तो हल्का सा इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं, वैसे तो केसर से इसका कलर अच्छा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है गैस की फ्लेम को ऑफ। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक ये देखिए रसगुल्ले अब हमारे 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए बिल्कुल जालीदार, बिल्कुल सॉफ्ट बने है ना, कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जालीदार दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको इसकी रेसिपी बताई है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, रसगुल्लों का हल्का हल्के हाथ से दबाकर इनका पानी निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इस पर रबड़ी डालेंगे, इसे हम सब बाउल में निकाल लेंगे इसे पानी निकाल कर। ये देखिए दबाने से बिल्कुल नहीं टूट रहे, कितने अच्छे रसगुल्ले बने हैं। अगर आप रसमलाई बना रहे हैं बड़ी शेप में, आप बना सकते हैं, ऐसी ही प्रोसेस है पूरी बनाने की, इसी तरह से सिर्फ शेप अलग तरीके से आप अपने पसंद से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी रसमलाई की जो रबड़ी हमने बनाई है वो भी हल्के से ठंडी हो गई है, आधे घंटे के लिए हमने इसे ठंडा होने दिया। और इसमें देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा है। तो हमने जो बॉल्स हमने जो निकाल ली है चाशनी से, अब उस पर हम डाल लेंगे रबड़ी। ये देखिए पूरी रबड़ी हमने इसमें डाल ली है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं इनमें रबड़ी में, इसका मतलब हमारे बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम इन पर डाल लेंगे केसर वाला पानी, आप चाहो तो पूरा मिक्स कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ बादाम की कतरन और पिस्ता या फिर चांदी का वर्क, इन सभी से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है, 2 घंटे मैंने इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखा था। और हमारी अंगूरी रबड़ी या फिर अंगूरी रसमलाई बिल्कुल रेडी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसी बनती है जो कमेंट्स बॉक्स में बताइए।